Hey guys, welcome back to my channel. कैसे हो आप सब लोग? I hope और मेरी ईश्वर से यही दुआ है कि आप सब लोग यार जहां भी रहो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो. और आज की वीडियो का टाइटल है अगले 6 महीनों में, यानी जुलाई से लेके हाफ जुलाई से लेके दिसंबर तक आपके साथ कौन से 3 बड़े इवेंट्स होंगे. ठीक है, यहाँ पे मैं 3 मेजर इवेंट्स जानना चाहूंगी और अगर कुछ और निकल के आता है तो मैं वो भी बताऊंगी. ठीक है, और गाइडेंस भी निकालूंगी. यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं. इन तीनों कार्ड्स में से जो कार्ड आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उस कार्ड को चुन सकते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग. ओके, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी येलो कार्ड चूज किया है, आइए देखते हैं सबसे पहले आपकी प्रेजेंट सिचुएशन की, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है. लेट्स सी. ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, ऐसा लग रहा है कि आपकी अभी प्रेजेंट एनर्जी कुछ ऐसी जा रही है, आपका दिमाग बहुत ज्यादा प्लानिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा प्लॉटिंग कर रहा है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए. ये आपके करियर को लेके हो सकता है, आपकी ओवरऑल लाइफ को लेके हो सकता है, आपकी जिंदगी के हर एक पहलू को लेके हो सकता है. हाँ, हम हमेशा सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, प्लानिंग हमेशा हमारे दिमाग में चलती है, बट अभी राइट नाउ आपके दिमाग में कुछ बहुत ज्यादा चल रहा है. बिकॉज कभी कभी ये होता है ना कि कोई हमें एकदम से रियलिटी दिखा देता है, कभी कुछ ऐसा बोल देता है कि तुम तो ऐसे हो, तुम्हारा ये ऐसा है वैसा है, और हमारे अंदर दिल को कहीं चोट पहुंचती है. वो चीज अभी हो सकता है आपके साथ हुई हो, मतलब आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो कि अच्छा इसने मुझे ऐसा बोला, अब मैं ये करके बताऊंगा, अब मैं आगे बढ़ के बताऊंगा, और आपका दिमाग बहुत कुछ चीजें सोच रहा है. हो सकता है कि आप एजुकेशन को लेके कुछ चीजें सोच रहे हो सकता है आप कुछ पढ़ाई को लेके और इवन बुक्स में इंटरेस्ट है, हो सकता है आपने करियर को लेके इंटरेस्ट है, हो सकता है आप कोई नया फील्ड अपनाना चाहते हो. कोई भी ऐसी चीज आपकी लाइफ में, कोई भी ऐसा सर्कमस्टेंसेस अभी हुआ हो, थोड़े टाइम पहले हुआ हो, जिसने आपको अंदर से हिला के रख दिया हो, आपको लगा नहीं अब मुझे अपनी लाइफ में कुछ आगे और बड़ा करना है, और कुछ बड़ा करना है. ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हो सकती है और जिसकी वजह से अब आपने ठान लिया है कि मुझे बेटर बनना है, मुझे बेस्ट बनना है. ओके, ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी. ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट 6 महीनों में आपके साथ कौन से 3 बड़े इवेंट्स होते हैं. तो सबसे पहला इवेंट के लिए मैं कार्ड निकालना चाहूंगी. ओके, सबसे बड़ा जो चीज होगी वो होगा कि आपके दिमाग में अभी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ के एक ऐसी स्टेज पे हो जहां पे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे कौन सा पाथ चूज करना चाहिए. हो सकता है कि आपने कुछ सोचा हो कि मुझे यार यहां जाना चाहिए, हो सकता है कि आप वहां से टर्न बैक कर लिया हो, या फिर कोई भी ऐसी चीजें जो आपने सोची हो और आपके दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो आगे लाइफ को लेके, आने वाले 6 महीनों में वो सारा कंफ्यूजन जो है ना वो कम फिनिश होने वाला है. मतलब आपकी लाइफ में आने वाले 6 महीनों में कोई ऐसा बड़ा इवेंट होने वाला है जिसके बाद आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, जिसके बाद आपकी लाइफ में बिल्कुल सॉर्ट आउट लाइफ नहीं होती है कि हाँ भाई मुझे बस ये काम करना है, भाई मेरे को इवन लाइफ पार्टनर को लेके या फिर आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसी चीज, किसी भी चीज को लेके आपका इनडिसिजन है, मतलब कंफ्यूजन है कि मुझे घर कहाँ लेना है, मुझे शादी के लिए या आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों की शादी कहाँ करानी, कोई भी ऐसी चीज. ठीक है, आपकी उम्र कोई भी हो सकती है. तो वो जो सारे कंफ्यूजन है ना वो क्लियर होने वाले. मैं इसको लेके और क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि इसमें आखिर होने क्या वाला है. लेट्स सी, और थोड़ा क्लैरिफाई करते कि ऐसा क्या होने वाला है. ठीक है, लेट्स सी कैसे आपकी क्लैरिटी मिलेगी, कैसे आपके कंफ्यूजन दूर होंगे. मुझे इनकी क्लैरिटी के लिए. देखिए, चेंज इंडिविजुअलिटी. ओके, व्हेन द ईगो फाइनली सीज द अटर मैडनेस ऑफ ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग, यू कम टू अ सीक्रेट क्रॉस रोड्स इन योर ओन इवोल्यूशन. मैंने कहा था ना कि आपकी लाइफ अभी कुछ ऐसे दौराहे पे जहां पे आपको नहीं पता कि आगे कौन सा स्टेप लेना है और आप वो आगे स्टेप नहीं ले पा रहे हो. बट होगा ये कि आप शायद इतना ज्यादा, आप अभी भी बहुत ज्यादा सोच रहे हो, आपके दिमाग में बहुत ज्यादा थॉट्स है
और एक टाइम ऐसा आएगा जब हम थक जाते हैं और हम गिव अप कर देते हैं, तो आप लोग कहीं ना कहीं गिव अप करने के बाद आपको लाइफ में एक चेंज आएगा, एक पाथ आपको मिलेगा और उस पाथ पे आप चलोगे। आपकी लाइफ में अभी जितना भी और वो जो पाथ है ना, सॉरी ये जो पाथ है ना, आपको ये बहुत हटके होगा, ये बहुत अलग होगा, आप ये ऐसा पाथ होगा जिसपे बहुत कम लोग चले हैं। इवन आपकी फैमिली में, आपकी लाइफ में जितने भी फैमिली मेंबर्स है, फ्रेंड्स है, जो भी है ना, उनमें बहुत कम लोगों ने चुना है ये पाथ, बट आप चुनोगे, ठीक है। और ये पाथ जो है ना, ये पाथ ब्लेस्ड होगा, ठीक है। हो सकता है कि आपकी अभी तक की लाइफ मेस रही हो, आपने बहुत सारे ऐसे डिसीजंस बनाए हो जो बहुत अच्छे ना निकले हो, या मतलब ना आप कंफ्यूज रहते हो, बिकॉज ये जो येलो वाला पाइल है ना, ये एयर साइन ज्यादा है, ठीक है, एयर साइन ज्यादा है, और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, और इवन इन ग्रह, इन राशियों में आपके ज्यादा ग्रह होंगे, या फिर अभी प्रेजेंटली आपकी ये राशियां डोमिनेट कर रही है, ठीक है। हो सकता है कि शनि का ज्यादा रोल हो, क्योंकि शनि भी जब आता है ना तो हम बहुत सोचते हैं। तो जो भी पाथ मिलेगा ना डियर, अभी आपको ये बहुत अच्छा मिलेगा। और देखिए यहाँ पे बटरफ्लाइज भी है और टाइगर भी है, तो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन भी दिख रहा है, मुझे स्ट्रेंथ भी दिख रही है, और ये पाथ आपको बहुत फ्रीडम भी देगा, इट विल गिव यू फ्रीडम। देखिए यहाँ पे बटरफ्लाइज ना दोनों कार्ड्स में, और बटरफ्लाइज, बर्ड्स, मतलब लाइट है ना, आप बहुत लाइट फील करोगे। अब तक जो आपकी लाइफ में इतना ज्यादा हैवीनेस थी ना, वो हैवीनेस नहीं रहेगी, ठीक है। फिर भी मैं एक चीज और निकालना चाहूंगी कि ये जो चेंज है, ये जो इंडिविजुअलिटी है, ये करियर में भी हो सकती है, ठीक है, ये करियर में भी हो सकती है। आपके करियर में आप कोई ऐसा पाथ चुनो, या आपकी कोई अच्छी जॉब है, ठीक है, जिसमें आप बहुत खुश हो तब भी, और जिस जॉब में आप खुश नहीं हो तब भी, और आपके अगर आपके पास जॉब नहीं है तब भी, आप लोग अपना ऐसा पाथ चुन सकते हो जो आपको बिल्कुल हटके पहचान दे। ये भी हो सकता है कि आप इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे छाओ, अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है, और नहीं तो ये आपको सम्मान दिलाएगा, मान सम्मान, रिस्पेक्ट दिलाएगा, ठीक है, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। ये ऐसा काम है, ये कौन सा काम है, लेट्स सी, मुझे और देखना है। ये काम एक्चुअली वो काम है जो अब तक आप डर रहे थे, आप नहीं कर रहे थे, आप अपनी जगह स्टक थे, अपने कंफर्ट जोन में स्टक थे, अपने जो होता है ना बिल्कुल आराम से बैठना, बिल्कुल आरामदायी जिंदगी, कंफर्ट जोन वाली जिंदगी, उसमें वहां आप बिल्कुल वो आपको बहुत पसंद आ रहा था, वहां से आप निकलना नहीं चाह रहे थे, एक ऐसे कंफर्ट, अगले 6 महीने में आप लोग अपने कंफर्ट जोन को तोड़ोगे, फर्स्ट चीज, ठीक है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कहीं जाएं, ठीक है, कहीं ट्रैवल करें, कहीं सेटल हो, या कहीं जाएं, कहीं या तो जॉब के लिए जा सकते हो, या किसी के लिए ट्रैवल के लिए जा सकते हो, बट यस, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप अपने आसपास के जो भी थॉट्स है ना, उनको अब निकालने वाले हो। एक और चीज, जो बंधन अब तक आपको रोक रहे थे, जो भी चीजें अब तक आपको रोक रही थी, जैसे हो सकता है ना कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो रहे होंगे कि तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें वो करना है, ये अच्छा है, वो खराब है, वो जो भी चीजें होती है जो हम खुद भी बनाते हैं और हमारे आसपास के लोग भी हम पे थोपते, उन सब चीजों को भी आप तोड़ोगे। आप अपने कंफर्ट जोन से, आपका सोशल सर्कल बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे, आपकी लाइफ में मुझे और लोग आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आपको आपकी लाइफ में मुझे अगले 6 महीने में, ये जॉब के लिए भी हो सकता है, ये लव के लिए भी हो सकता है, मुझे एक ऑफर आता हुआ दिख रहा है, और ये जो ऑफर है ना, ये ऑफर आप खुद क्रिएट करोगे अपने लिए, आप खुद मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। जिन चीजों के लिए आप अब तक ना कर रहे थे ना, मुझे ये नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, अब वो सब चीजें आप करोगे। अगले 6 महीनों में आप ऐसे बनने वाले हो कि लोग सोचेंगे कि यार ये
पहले क्या था और अब क्या हो गया, हो सकता है ये बॉडी वाइज आप और फिट हो जाओ, हो सकता है आप लुक्स वाइज और अच्छी हो जाओ, हो सकता है मतलब मुझे अगले 6 महीनों में आपकी लाइफ चेंज नजर आ रही है, और ये जो चेंज आ रहा है ये सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा, आपके दिमाग में एक जुनून आएगा कि नहीं अब मुझे करना है, और ये जो चिंगारी होती है ना, इस चिंगारी से आप अपने आसपास के सारे जो बैरियर्स है वो तोड़ोगे और आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करोगे जो बेशक किसी ने ना किया हो पर बहुत अच्छा होगा और आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, मतलब अब क्या मुझे ऐसा लग रहा है आप शेर या शेरनी बनोगे। अब तक आप ना चीजों को सोच रहे थे, स्केप्टिकल थे कि अच्छा मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट नाउ यू विल ग्रो, यू विल बिकम, आप ना रोर करोगे। ठीक है, रोर, ओके, बिकॉज टाइगर एंड रोरिंग, ओके। अब लोग, अच्छा एक और चीज, अब लोग देखेंगे कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। अब तक शायद लोगों ने आपको बहुत अंडर एस्टिमेट किया हुआ था कि यार ये तो कुछ ज्यादा करेगा नहीं, कुछ अच्छा कर नहीं सकता, इसकी जिंदगी ऐसी नहीं। बट अब आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं शायद है कि मुझे अब लोगों को बताना है, तो वो जो चीज ना वो ही चिंगारी आगे बढ़ के फायर बनेगी और उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले। ठीक है, ये सबसे बड़ा मेजर चेंज। ओके, नाउ सेकेंड इवेंट निकालती हूं मैं आपके लिए। देखिए, मैंने कहा था ना आप लोग कहीं जाओगे, आप लोग शिफ्ट करने सकते हो, आप लोग कहीं और जा सकते हो, कहीं आपका घर शिफ्ट हो सकता है, आपका आप जॉब के लिए कहीं जा सकते हो, आप किसी से मिलने कहीं जा सकते हो, बट मुझे यहाँ पे ट्रैवल दिख रहा है। ठीक है, और ये ट्रैवल हो सकता है कि इसमें आपको आपकी फैमिली जो है ना वो सपोर्ट करेगी। ठीक है, आपकी फैमिली सपोर्ट करेगी और स्पेशली आपके जो भी कोई मेल मेंबर है ना, या मेल मेंबर या आपकी लाइफ में जो भी मेन मेन इंसान है, जिसकी हाँ से आप हाँ करते हो, जिसकी ना से आप ना करते हो, उस इंसान की सहमति होगी और वो इंसान आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा इस चीज में। ठीक है, वो आपके फादर हो सकते हैं, वो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वो आप खुद हो सकते हो, आपके बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, बट यस, आपको धक्का देने के लिए पीछे कोई इंसान है, यहाँ पे एक इंसान तो मुझे दिख रहा है, और ये भी लग रहा है कि आपके ऊपर कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। ओके, और देखते हैं, और जो ये ट्रैवल होगा, जो जहां पे भी आप जाओगे ना डियर, इट विल बी वेरी गुड, इट विल, मतलब ये आपकी जिंदगी में वो चीजें मैनिफेस्ट होंगी जो आपने शायद कभी सोची भी नहीं थी कि यार मेरी लाइफ में ऐसा भी हो सकता है, मुझे ऐसी खुशी भी मिल सकती है। ठीक है, देखो मैंने सिर्फ एक स्टेप आगे लिया और आगे देखो कैसी किस्मत मेरी बदल रही है। वो जो चीजें होती है ना, अभी शायद आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा होगा, बट यस, आप आने वाले 6 महीने में जरूर देखोगे। मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए जो ये शनि जो वक्री हुआ है ना और कैप्रिकॉर्न में गया, ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ओके, सेकेंड इवेंट के बारे में एक कार्ड और निकालना चाहूंगी मैं। मुझे आपके लिए, मैंने कहा था ना एक ऑफर आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, वापस मैं आपको वही दोहराऊंगी कि मुझे आपके लिए एक ऑफर आता हुआ दिख रहा है आने वाले 6 महीनों में। वो लव को लेके हो सकता है, वो करियर को लेके हो सकता है, वो किसी भी चीज को लेके हो सकता है जिसमें आप एक्सपेंशन है। बट डियर, एक चीज है, शायद मैंने आपके पास्ट नहीं चेक किया, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास्ट में बहुत कुछ हुआ है, क्योंकि ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे दिखा रहा है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में पास में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसमें आपको बहुत छोटा महसूस कराया गया, तो उसकी वजह से आप उस स्टेज में नहीं हो। तो मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगी कि आने वाले 6 महीनों में डियर, जो भी आपको ऑफर मिले ना, आप प्लीज उस पर विचार जरूर करना, उसको देखना जरूर, उसको रिजेक्ट मत करना, बिकॉज आपकी लाइफ जो है ना वो बदलने वाली है। ओके, मतलब कभी कभी हमारा दिमाग ही हमें रोक लेता है, तो आपके दिमाग को थोड़ा सा शांत करना और अपने मन की भी सुनना, अपने दिल की भी सुनना। ओके, और अब मैं जाऊंगी थर्ड इवेंट पे। थर्ड इवेंट कौन सा होने वाला है, लेट्स सी। इससे
फ्रीडम। देखिए मैंने कहा था ना आपको फ्रीडम फ्रीडम। यहाँ पे भी बर्ड्स दिख रहे हैं और देखिए यहाँ पे भी बर्ड है, ठीक है, हालांकि क्रो है। और मैंने कहा था कि सैटर्न आपकी लाइफ में अभी बहुत ज्यादा मेजर इम्पैक्ट कर रहा है। अच्छा एक और चीज आप देख रहे हो, ये जो बर्ड छूटी है ये इस दोनों हाथों से छूटी है जो बंधे हुए, यहाँ पे भी बंधा हुआ दिखा मुझे और बंधे हुए से मुझे बर्ड्स निकलते हुए दिखे और लिटरली मुझे ये चीज दिखी। आई नो लॉन्गर वॉन्ट दिस फियरी रिंग ऑफ रिसेंटमेंट टू ब्लॉक द गुड, रिलीज मी फ्रॉम इट्स बॉन्ड। सी डियर, मुझे आपकी लाइफ में आने वाले 6 महीनों में अब ये फ्रीडम, कोई सी भी फ्रीडम हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकती है, आपकी टोटल ओवरऑल इंडिविजुअलिटी में। और जिस दिन आपने फ्रीडम का रस चख लिया ना डियर, उसके बाद आप कभी भी इस पिंजरे में वापस नहीं जाओगे। आई होप आपको दिख रहा हूं, ठीक है, इसमें नहीं जाओगे, आप आसमान में ही उड़ोगे। जिस दिन आप आसमान में उड़ती हुई फ्रीडम का एहसास आपने कर लिया ना, उस लव का एहसास कर लिया, डिवाइन लव का एहसास कर लिया ना, तो बस अब फिर उसके बाद आपकी जिंदगी नो टर्न बैक एंड इट विल डू गुड। ओके, मैं इसके लिए एक और कार्ड निकालना चाहूंगी। द एम्प्रेस, देखिए मुझे आपकी लाइफ में लग्जरी, ठीक है, पैसा, सुख, समृद्धि, वाहन का सुख, मकान का सुख, या अपनी ब्यूटी, क्रिएटिविटी, कोई भी टैलेंट, एक और, यस, एक और चीज, आप में से बहुत सारे लोग जो लोगों को भी अपनी आपके अंदर कोई भी किसी भी टाइप का क्रिएटिविटी, टैलेंट, कुछ भी है और जो आप कुछ करना चाहते हो, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही आप बहुत अल्टीमेट सक्सेसफुल हो जाओगे, बट यस, जो भी चीज आप स्टार्ट करोगे ना, जिस भी स्किल्स पे आपने वर्क किया ना, वो आपको बहुत स्टेबिलिटी देगी, वो आपको बहुत ज्यादा बेशुमार दौलत कह सकती हूँ, या बेशुमार खुशियां देगी आपको, ओवरऑल हैप्पीनेस मिलेगी, मतलब आप सेटिस्फाइड फील करोगे कि यार मेरी लाइफ में जो है ना बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत खुश हूं मैं। वो चीज आप अपनी लाइफ में आने वाले 6 महीनों में महसूस करोगे, ओके, एंड आई विश यू ऑल द गुड लक, ओके। अच्छा मैं एक यहाँ पे गाइडेंस का कार्ड जरूर निकालना चाहूंगी आप लोगों के लिए, लेट्स सी। एनर्जी हीलिंग, योर नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पज। और इस कार्ड से डियर मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप लोगों ने अब तक आप खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट किया और बहुत ज्यादा कुछ कुछ नेगेटिव बातें अपने आप को बोली या आपके आसपास बोली गई, और जिसकी वजह से आपकी हीलिंग जो है ना वो पूरी अच्छे से पूरी नहीं हुई। यहाँ पे आपको यही एडवाइस किया जा रहा है कि गो फॉर हीलिंग, आप खुद की सेल्फ हीलिंग करो, आपको जो भी अच्छा लगता है ना, जो भी चीजें पसंद है आपको, वो करो, आप अपनी खुद की हीलिंग करो। देखो हील करने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ किसी हीलर के पास जाके आप हील हो जाते हो, हम तब तब हील होते हैं जब हम नेचुरल स्टेट में होते हैं, हम अच्छा फील करते हैं, हम चाहे पार्क में घूम रहे हो, हम ग्रीन सीनरी में, नेचर में हो, या हम हमारे मम्मी पापा जो हमें बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, हम उनके पास हो, कोई भी साधन बन सकता है हीलिंग का, ठीक है। जरूरी नहीं है कोई भी क्रिस्टल्स लाओ या मतलब ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है, आप अच्छा फेवरेट फूड खा के आराम से रेस्ट करके भी हील हो सकते हो, ठीक है। तो प्लीज हीलिंग को जितना आप सिंपल रखोगे ना उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। और मुझे यहाँ पे आपके लिए बहुत कुछ अच्छा दिख रहा है आने वाले 6 महीनों में, आपकी कंफ्यूजन, आपकी जॉब को लेके, आपके इवन मैरिज कह सकती हूँ या आपकी रिलेशनशिप कह सकती हूँ, ठीक है, जो भी चीज है ना, चीजें सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही है, आप लोग मूव करते दिख रहे हो, जिन बेड़ियों ने आपको बांधा हुआ था ना वो सब बेड़ियां टूटने वाली। ओके गाइज, ऑल द गुड लक, एंड प्लीज याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है क्योंकि एक पाइल में बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है, डिटेल हर एक इंसान का अलग अलग होता है तो उसमें नहीं जाया जा सकता एक वीडियो के थ्रू, बट यस
इस ये वीडियो आपके पे अच्छी, इसकी सारी अच्छी अच्छी बातें आपको मिले, मैं यही दुआ करती हूँ। और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय। ग्रुप नंबर टू, जिन्होंने भी ब्राउन कार्ड चूज किया है, आइए देखते हैं कि आने वाले 6 महीनों में कौन से ऐसे 3 बड़े इवेंट्स होने वाले हैं। और उससे पहले मैं आपकी प्रेजेंट एनर्जी जरूर चेक करूंगी। लेट्स सी। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें चल रही है जो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रही है, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ में, मतलब अभी रिसेंटली कोई फाइट हुई हो, ठीक है, आप ही के लोगों के बीच में कुछ अनबन हुई हो, और अगर इवन फाइट भी नहीं हुई हो तब भी दिल में ना कुछ ऐसी बात चल रही है जो अगर बोल दी गई ना तो फिर फाइट हो गई हो जाएगी, कुछ ऐसी बात हो सकती है। बट यस, ये जो ये कार्ड जब भी आता है ना तो ये दिखाता है हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस, वेरी हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस, मतलब अब लोग लड़ने वाले, ठीक है, तो वो चीजें हो सकती है। ओके, लेट्स सी। ओके, डेविल। ओके, ओके, मुझे यहां पे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में किसी टाइप का ऐसा कंट्रोल है जो जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, और ये कंट्रोल कुछ बहुत बड़ा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ खुद के टर्म्स पे नहीं जी पा रहे हो, ठीक है, कोई ऐसा, मतलब इन्फ्लुएंशियल कह सकती हो, डोमिनेंट कह सकती हो, आपकी लाइफ में कोई ऐसे, या तो आपके कोई भी हो सकता है, आपके फादर, मदर, हस्बैंड, है ना, पार्टनर, या आपके जॉब में, ठीक है, ये आपकी करंट स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक है, जहां पे आपकी इवन आपकी बॉस, ठीक है, अगर आप काम कर रहे हो तो आपके बॉस, अगर आपके घर में जो भी आपका बॉस है वो, ओके, कोई तो होता है बॉस, हर इंसान का कोई ना कोई बॉस होता है, चाहे घर में हो चाहे जॉब में हो, ओके, और जिसकी वजह से आपके ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, और ये रिस्ट्रिक्शंस आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है, और आप अंदर से ना विद्रोह वाली जो भावना होती है ना, रिबेलियस, वो वाली चीज आपके अंदर आ रही है कि बस अब मैं ये चीजें और नहीं कर सकती, नाउ आई हैव टू फाइट, ठीक है, वो चीजें आ रही है या आपके दिमाग में है या हो भी रही होंगी, कुछ भी, बहुत सारी चीजें हो सकती है, ओके, और यू नीड टू काम डाउन। ओके, लेट्स सी। इसके लिए एक कार्ड और निकालना चाहूंगी। ओके, डियर, ये तो मुझे बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन राइट नाउ इन योर फैमिली, इन योर जॉब, इन योर करंट माइंड, बिकॉज आपकी आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा दुखी हो, ठीक है, बहुत ज्यादा दुखी हो, आप सोच रहे हो कि यार बाकी लोगों की लाइफ में इतना अच्छा अच्छा है, या मतलब कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप हो, ठीक है, ये आप हो जो जो आप अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा दुखी हो, आपको लग रहा है कि मतलब बाकी सारे लोग जो है ना वो ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, प्रॉस्पर कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, एंड योर आपकी चीजें बहुत स्लो चल रही है, बहुत स्लो चल रही है, बहुत ही धीरे चल रही है, रुकी हुई सी है, ठीक है, और आप कहीं ना कहीं दूसरों को देख के, ठीक है, ये आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, आपके सोशल मीडिया में हो सकते हैं, कोई भी, उनको देख के आपका दिल लग रहा है कि मुझे क्यों नहीं मिली ये खुशियां, मुझे क्यों नहीं, क्या मैं भी तो डिजर्व करता हूं ना ये सब चीजें, मैं भी डिजर्व करती हूं ये सब चीजें, पर मुझे क्यों नहीं मिला, मेरी लाइफ में इतना बैड लक क्यों चल रहा है, किसी भी टाइप का ना, मतलब लाइक दिस इज सम काइंड ऑफ डिप्रेशन, दिस इज सम काइंड ऑफ ना हैवी एनर्जी, वेरी हैवी एनर्जी, वेरी वेरी जो, और पता है ये जो एनर्जी ना, ये एनर्जी ही हमें आगे बढ़ने से रोकती है, ठीक है, चलो ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी, आई होप ये प्रेजेंट एनर्जी आपकी हील हो जाए। अब मैं जानना चाहूंगी अगले 6 महीनों में आपके कौन से 3 बड़े इवेंट्स होने वाले हैं जो आपकी लाइफ शायद चेंज कर सके या चेंज करें, ठीक है, तो सबसे पहले इवेंट के लिए मैं कार्ड निकालना चाहूंगी। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड देन इट इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, देखो डियर,
आई कैन, मैं ये बात समझती हूँ, ये बात आपकी पूरी तरह से फील कर सकती हूँ कि आप लोग एक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से गुजरे हो. स्पेशली मुझे लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में ना फाइनेंसिस वाइज बहुत बहुत प्रॉस्पैरिटी शायद अभी नहीं है, या फाइनेंसिस वाइज ना मतलब जो चीजें आप चाहते हो आपकी लाइफ में ना वो नहीं है. ठीक है, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा हार्ट टाइट करना पड़ा हो अभी तक ना, बहुत ज्यादा आप अपने दिल की इच्छाओं को मारना पड़ा हो. बट अगले 6 महीनों में जो भी ये आपकी अगर सिचुएशन है फाइनेंसिस वाइज, अगर कोई भी ऐसी चीजें हैं, तो डियर ये सिचुएशन का एंड आएगा. ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बट यस द ऑल सिचुएशन ऑफ दिस फाइनेंसेस और ये ना जो भी है रिस्ट्रिक्शंस है पैसो वाइज मुझे आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा लग रहा है. ठीक है, तो ये जो भी है फाइनेंशियल फ्रीडम, ये अगले 6 महीनों में ना मतलब इट विल एंड इट विल गोइंग टू, और ये जो एंडिंग है ना, ये एंडिंग देखो कभी कभी ये होता है कि हमें एकदम से मिल जाता है, कोई भी एकदम किस्मत पलटती है और कुछ मिल जाता है. वो चीजें होंगी, बट वो मुझे बहुत बाद में दिख रहा है. उससे पहले मुझे ये आपकी जो ओवरऑल सिचुएशन है ना, ये आपकी मुझे खत्म होते हुए दिख रही है, और ये खत्म मुझे बहुत अच्छे तरीके से नहीं दिख रही. हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड आपकी हेल्प करे. ठीक है, आपका कोई फ्रेंड जो बहुत ही आउटरेजेस है, बहुत ही डायनेमिक है, बहुत ही अच्छा मूड में हो, ठीक है, वो आपकी हेल्प करे. और ये भी हो सकता है कि आप लोग जो है कहीं ना कहीं अब आपको लगे नो, मुझे अपनी सिचुएशन पे वर्क करना है. ठीक है, मुझे अपनी कुछ भी करना है, भाग दौड़. ठीक है, मुझे ये भाग दौड़ लग रही. मैं इसके लिए क्लैरिफिकेशन और निकालना चाहूंगी, लेट्स सी, देखते हैं. पावर, वर्थ इट, फील, द रिलेशनशिप्स, ओके, फन अब्रॉड एंड टेक इट. देखिए, हो सकता है कि अगले 6 महीने में आप लोग ना फाइनेंसिस वाइज बहुत ज्यादा तो मुझे नहीं लग रहा, बट कुछ कुछ थोड़ा सा हो सकता है. बट ये हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड, आपके कोई फैमिली मेंबर जो बहुत अच्छी सिचुएशन में, बहुत ही पावरफुल सिचुएशन में, इन्फ्लुएंशियल सिचुएशन में, वो आपकी हेल्प करे. ठीक है, वो आप उन मतलब कहते हैं ना कभी कभी किसी की हेल्प से कुछ काम बन जाता है, तो ये चीजें भी हो सकती है. ओके, मतलब आपको सपोर्ट करने के लिए कोई आपका फ्रेंड आप ही की उम्र का हो सकता है, आपसे थोड़ा आगे पीछे का हो सकता है, मतलब 4-5 साल का डिफरेंस हो सकता है, वो आपकी हेल्प कर सकता है, वो आपको फिर से इस सिचुएशन में से निकालने के लिए बहुत ही अच्छा है. और दूसरी ये चीज है कि आपके लिए मतलब अगले 6 महीने का जो एंडिंग फेज है, मतलब मैं कह सकती हूँ नवंबर के बाद, नवंबर दिसंबर वाला जो टाइम है ना, वो बहुत अच्छा रहने वाला है. हो सकता है आप ट्रैवल करो, हो सकता है आपकी बहुत अच्छी बढ़िया जॉब लगे, हो सकता है आप कहीं घूमने जाओ, अब्रॉड जाओ या फिर मतलब मस्ती करो. ठीक है, वो अच्छी अच्छी चीजें जो है ना, वो मुझे आपके अगले 6 महीनों के एंड में दिख रही है. बट यस, देयर इज सम स्ट्रगल, और ये स्ट्रगल जो है ना, ये स्ट्रगल अभी है, अभी बना हुआ है, और ये थोड़ा टाइम और रहेगा. ये इसका एंडिंग फेज जो है ना, ये मुझे अक्टूबर में लग रहा है. अक्टूबर में मतलब लाइक ना यू विल लाइक, हो सकता है आप में से कुछ लोग शायद कोई जॉब क्विट करके कहीं और कुछ करो, या आप में से कुछ लोग कहीं मतलब अपने लिए कोई बेटर ऑप्शन सर्च करो. ठीक है, मैं इनके लिए और कार्ड निकालना चाहूंगी. ये भी हो सकता है आपके काम धंधा जो अभी तक था ना, उस काम धंधे में आप अच्छा, ओके, आप में से कुछ लोग शायद जो बिजनेस करते हैं, जो भी लैंड से डील करते हैं, या खुद का कोई काम है, ठीक है, उसमें आपका आप लोग ना कोई नया नया वेंचर
नई चीजें, नया डील, वो सब चीजें भी करो. ओके देखिए, मैंने कहा था ना कि हो सकता है कि आपको कोई, आपका कोई फ्रेंड हो, कोई आपका जान पहचान का आदमी हो जो अच्छी पोजीशन पे हो, वो आपकी हेल्प जरूर कर सकता है. उसकी मदद की वजह से, उसके ऑफर की वजह से, उसकी सब वजह से आप लोग, आप अपनी इस स्थिति से उभर जाओगे. पहला और बड़ा इवेंट है. ओके, अब मैं सेकेंड इवेंट के लिए निकालना चाहूंगी. क्वीन ऑफ कप्स, ओम सायरा. ओके, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, लेट्स सी इसमें से निकालते हैं. कह सकती हूं कि आप अपनी लाइफ में जो भी आपके आसपास में फीमेल मेंबर्स हैं, या जो भी आपको पता तो होगा ही कि आपकी लाइफ में कौन आपको बहुत अंदर से पसंद करता है, नहीं करता, या ये सब चीजें आपको पता होंगी. आपका दुश्मन कौन है, मतलब आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा. तो जो भी लेडी अगर आपको तंग करने की कोशिश, हेट या आपका नुकसान करने का इंटेंशन रखती है, आप उससे थोड़ा दूर रहिए अगले 6 महीने में. बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में, मतलब यही, देर इज सम काइंड ऑफ थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, जो ऑल बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का इंटेंशन रखती है. ठीक है, और आप लोग ऐसे लोग हो क्योंकि आपका, मतलब ना, ऑलरेडी कुछ चीजें जो है ना, आपकी लाइफ की कुछ चीजें जो बहुत अच्छी नहीं है, तो आपकी स्टेट ऑफ माइंड बहुत वैसी नहीं है, हैप्पी टाइप वाली नहीं है. तो आप अपनी प्रोटेक्शन पूरी करना, आपके लिए सबसे मेन चीज, ब्राउन कार्ड वालों के लिए सबसे मेन चीज है डियर, आप लोग अपनी प्रोटेक्शन फुल ऑन रखो. मतलब आप जिन भी भगवान जी का नाम लेते हो ना, आप हरे कृष्णा, साई बाबा, जिन भी लेते हो ना, आप उनका नाम लेते रहना. अगर आपने नाम लेते रहना, नाम जाप करते रहे, तो ये सब चीजें आएंगी और जाएंगी, आपको पता भी नहीं पड़ेगा. और बट यस, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि देर इज सम काइंड ऑफ ना, मतलब आपके पीछे लोग बहुत ज्यादा है, आपके एनिमीज बहुत ज्यादा है. ठीक है, वो आपका नुकसान करना चाहते हैं, आपको परेशान करना चाहते हैं. ठीक है, आपको किसी जगह से निकालना चाहते हैं. ओके, चाहते हैं कि यार ये कब जाए यहां से. ओके, एंड दुख देना चाहते हैं. ये सब चीजें मैं सिर्फ, प्लीज, हाँ, मैं नेगेटिव नहीं कहना चाहती, बट यस, मुझे आपके कार्ड्स जो आए ना, मैं सिर्फ वो कहना चाहती हूँ. ओके, थ्री ऑफ कप्स. ओके, फाइनली फाइनली बहुत कुछ अच्छा आया. चलो, ओके, देखो, अगर मैं बात करूं ना, आपको, आपकी लाइफ में कुछ कुछ अच्छे लोग हैं. ठीक है, ये बात मुझे पता पड़ गई, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छे लोग भी हैं. आपको उन पे ध्यान देना है, उनके साथ फन करना है, मस्तियां करनी है, पार्टी करनी है, और आपको आपकी हेल्थ पे ध्यान देना है. आपकी लाइफ में जो लोग भी आपको परेशान करने लगे, परेशान के लिए करने करते हैं, आपको उन पे नहीं ध्यान देना है. दे आर सम पीपल हु वॉन्ट्स वेरी बैड. ठीक है, सो आप प्लीज अपनी प्रोटेक्शन रखना. और मुझे आपके काम को लेके, फाइनेंसिस को लेके बहुत कुछ अच्छा दिख रहा है एट दी एंड. मतलब अगले 6 महीनों में आपकी जॉब वाइज, आपके करियर वाइज मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है. थिंग्स विल टर्न, थिंग्स विल चेंज, बट यस, कुछ टाइम और है थोड़ा सा. ये शांति से निकालो, पीस से निकालो, हैप्पीनेस से निकालो. अपनी लाइफ के अच्छे पॉजिटिव पार्ट पे आप ध्यान दोगे ना डियर, ऑल थिंग्स विल, मतलब सारी चीजें अच्छी होंगी. ठीक है, अच्छा, अब मैं आपके लिए गाइडेंस निकालना चाहती हूँ. लेट्स सी. सेक्रीफाइस. समटाइम्स सरेंडर इज पेनफुल. गॉड्स कटिंग अवे ऑल दैट नीड्स टू गो. इल्यूजन, ऑब्सेशन, एडिक्शंस, इट्स सेक्रीफाइस टू लव. ओके, एंड मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ आप लोगों के लिए कि ये जो आपकी लाइफ में अभी
जो खराब चीजें हैं या चल रही हैं, दीज आर, ये सब इसीलिए है ताकि आप लोग अपना बेस्ट निकाल सको, ठीक है, अपना बेस्ट निकाल सको। देखिए, अगर आपकी लाइफ में कोई भी दुश्मन ना हो, कुछ भी ना हो, तो आप कोई एफर्ट्स करोगे ही नहीं, ठीक है। हम वैसे ही रहते जैसे हमेशा होते, बट अगर हमारी लाइफ में बहुत चैलेंजेस होते हैं, हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा अगर एनिमीज भी होते, तो हमें समझ में आता है कि हमें कैसे डील करना है, हमें कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, हमें कैसे इन चीजों से निकालना है। वो सब चीजें शायद ईश्वर आपको इस टाइम सिखा रहे हैं, एंड आई होप आप इन बुरे टाइम से जल्दी निकल के अच्छा टाइम आए। और हो सकता है कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट ना करे या करे, ठीक है, बिकॉज इट्स अ वेरी जनरल रीडिंग, जरूरी नहीं है कि ये सबके साथ रेजोनेट करेगी, बट यस, अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी एमराल्ड चूज किया है, आइए देखते हैं कि अगले 6 महीनों में कौन से ऐसे इवेंट्स होंगे, कौन से ऐसे 3 बड़े इवेंट्स हैं जो आपकी लाइफ के मेजर होंगे, जिससे आपकी लाइफ बदल सकती है। उससे पहले आपकी प्रेजेंट सिचुएशन, लेट्स सी व्हाट इज योर प्रेजेंट सिचुएशन। ओके, ओके, सबसे पहले तो अगर मैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूं ना, मुझे आपकी माइंड स्टेट ऑफ माइंड जो है ना, वो पॉजिटिव लग रहा है, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, इट इज पॉजिटिव। इट इज मतलब आप लोग अभी एक ऐसी पोजीशन पे हो जहां पे आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो, मेहनत करने के लिए तैयार हो, फाइट करने के लिए तैयार हो, जो चीजें आपको चाहिए ना, उन चीजों के लिए फुल ऑन मेहनत करने के लिए तैयार हो। ओके, करियर में हो सकता है, जॉब में हो सकता है, किसी भी चीज को लेके। एंड एक और चीज हो सकता है, आपकी ड्रीम्स, आपके सपने अच्छे हों, बड़े हों, ठीक है, और आप उन्हें पाने के लिए ना, उन्हें पाने के लिए आप अपने आप को मतलब पूरी तरह से फुल ऑन डेडिकेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी चीज मुझे यहाँ पे ये भी दिख रही है कि आप लोग साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ मुझे आपका रिन्यूइंग प्रोसेस लग रहा है। रिन्यूइंग मतलब आप लोग नए बनते जा रहे हो, आप लोग नए बनते जा रहे हो, आपकी लाइफ की जो भी पुरानी चीजें थी ना, पुराना जितना भी जो भी था, वो मेमोरीज बोलो या आपकी जो भी पास्ट की जो भी चीजें थी, वो अब आप सब पीछे छोड़ के अब आप न्यू आगे की तरफ जा रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग असेंशन, अवेकनिंग और इन सब चीजों की तरफ जा रहे हैं। आप लोग अपनी लाइफ को एक होलिस्टिक, होता ना होलिस्टिक अप्रोच, कि आपको अपनी बॉडी, माइंड, सोल को कैसे प्योर रखना है, कैसे अच्छा रखना है और मेहनत भी करनी है, वो चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप लोग में से बहुत सारे लोगों को आयुर्वेदा में इंटरेस्ट होगा, आप में से बहुत सारे लोगों को अच्छा ग्रीन खाना पसंद होगा, आप में से बहुत सारे लोगों को हेल्दी दिखना, हेल्दी रहना, फिट रहना, वो सब रहना पसंद होगा। आप में से बहुत सारे लोग ना एक बहुत अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में, और ये लोग ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में अच्छा करते हैं, अच्छा दिखते हैं, अच्छा बनते हैं। अच्छा बनते मीन्स हो आप अच्छे हो, और अच्छे मतलब बनना मीन्स आपको बाहर से भी अच्छा दिखना पसंद है, ओके, और आप अपनी लाइफ को और प्रोग्रेस में लाना चाहते हो। आप ये नहीं चाहते हो कि सिर्फ स्पिरिचुअल हो के आपकी लाइफ स्टे हो जाए, यहाँ पे रुक जाए, नो, आप प्रोग्रेस भी करना चाहते हो और आप मेहनत भी करते हो। इट इज वेरी गुड स्टेट ऑफ माइंड, ओके, बट कभी कभी शायद थोड़ा सा गुस्सा आपको शायद ज्यादा आ जाता है, ओके। चलो अब आगे देखते हैं कि अगले 6 महीनों में आपके साथ कौन से ऐसे 3 इवेंट्स होने वाले। सबसे पहले इवेंट के लिए मैं कार्ड निकालना चाहूंगी। गाइज, मैंने ना ये कार्ड्स फर्स्ट इवेंट के लिए निकाल लिए हैं, बिकॉज जब मैं कार्ड शफल करी थी तब कैमरा गिर गया और मैं शफलिंग करती रही, तो मैं यहाँ पे आपको कार्ड्स दिखा रही हूँ। तो मैं अगर बात करूं कि सबसे बड़ा इवेंट क्या होने वाला है, तो डियर आपकी दिल में जो इच्छा है ना, बड़ा बनने की, बड़ा करने की, अच्छा दिखने की, वो इच्छाएं मुझे पूरी होती हुई दिख रही है। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, एंड इट इज वेरी गुड कार्ड। आपके लिए सारे कार्ड जो ना वो पॉजिटिव आ रहे थे, पैसों को लेके सबसे ज्यादा दिख रहा था मुझे, मनी वाइज मुझे सबसे ज्यादा दिख रहा था। मनी वाइज जो भी तंगी आपने देखी है, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स आपने फेस करी है, वो मुझे उसको लेके मनी वाइज मुझे आपकी अगले 6 महीने में विश फुलफिलमेंट लग रही है। हो सकता है कि आप लोगों को अच्छा जॉब मिले, हो सकता है आप लोगों को कहीं ट्रैवल करो, कहीं अच्छी बढ़िया कोई अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है, ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं। बिकॉज बार बार जो मुझे कार्ड दिख रहे थे वो सब भी ऐसे ही दिख रहे थे, पॉजिटिव दिख रहे थे, ओके। सेकेंड चीज ये कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप,
ठीक है, ये रिलेशनशिप की बात कर रही हूं मैं। आपका रिलेशनशिप किसी के साथ ड्यू टू सम इग्नोरेंस बहुत अच्छा नहीं था, ठीक है, वो आपकी लाइफ में होते हुए भी नहीं थे, ओके, ये कोई भी हो सकता है। उनसे आपका रिलेशनशिप बिल्कुल ऑन होते हुए भी ऑफ था, मतलब फिजिकली वो आपकी लाइफ में हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, बट एक्चुअली दिल से ना वो ऑफ था रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप भी मुझे अच्छा होता हुआ दिख रहा है, हील होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है कि जिस भी इंसान की से आपकी दूरियां आई हैं, है ना, वो इंसान पैसों को लेके बहुत कंजूस था, बहुत ज्यादा आनाकानी करता था, और कहते ना कुछ टाइप की साइको टाइप की हरकतें नहीं होती कि जैसे दिल खोल के नहीं जीते कुछ लोग ना, मतलब कुछ छोटी छोटी चीजों पे कंजूसी कर जाते हैं, छोटी छोटी चीजों पे मतलब ऐसी चीजें कर जाते हैं जो अच्छी होती, जो अच्छी नहीं दिखती। वो सब चीजें, उन सब चीजों की वजह से अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा पिछले कुछ टाइम से, तो वो रिलेशनशिप भी मुझे हील होता हुआ दिख रहा है। और उस रिलेशनशिप के लिए ना आपने सोच रखा था कि बस मैं इस रिलेशनशिप का क्या करूं, छोड़ दूं, रहने दूं, क्या करूं, मतलब, तो वो चीज भी मुझे हील होते हुए दिख रही है, ठीक है। मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत बढ़िया हो जाएगी, बट यस, अगर आप चाहते हो ना तो ये रिलेशनशिप भी, जो रिलेशनशिप अगर खराब हुआ है तो वो रिलेशनशिप भी मुझे हील होता हुआ दिख रहा है। मनी वाइज भी मुझे आपके पैसे दिख रहे हैं, ठीक है। कोई एक टाइप की उदासी थी आपके दिल में किसी को लेके ना, किसी इंसान को लेके कह सकती हूँ या पैसों को लेके कह सकती हूँ, आपकी लाइफ का कोई एक एरिया जिसको लेके बहुत उदासी थी, ठीक है। ये इंसान को लेके मुझे ज्यादा दिख रही है, ठीक है। पैसों को इंसान फिर भी थोड़ा झेल लेता है, पर जब किसी से दिल लगा बैठता है और दिल टूटता है तब ज्यादा परेशानी होती है। तो मुझे किसी टाइप की उदासी दिख रही है किसी इंसान को लेके, वो चीज भी। अच्छा, एक और चीज, जिस भी इंसान से लेके आप बहुत होप्स एक्सपेक्टेशंस बांधे थे ना, वो एक्चुअली मनी वाइज तो बहुत मतलब ठीक थे, अच्छे थे, बट पैसों तक थे उनके पास, पर वो दिल से खुल लेने थे, ठीक है। वो वैसा जीना जीते ही नहीं थे, मतलब एक होता ना एक आर्ट ऑफ लिविंग होती है, जीना कैसे होता है, वो चीजें उन्हें नहीं आती थी, और बहुत सारी चीजें आपके बीच में हुई, तो वो चीजें भी मुझे हील होते हुए दिख रही है। आपका फाइनेंशियल स्टेटस कह सकती हूँ, उनका फाइनेंशियल स्टेटस, चीजें सही होते हुए दिख रही है बहुत कुछ हद तक, ठीक है। और पता है ये सब क्यों हो रहा है आपकी लाइफ में, ये पॉजिटिव चेंजेस क्यों आने वाले अगले 6 महीने में? वो सबसे बड़ा जो मेजर रीजन है ना, वो ये है कि आप लोग एक बहुत पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में हो, आप लोग एक हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में हो, आप लोग मेहनत करने को तैयार हो, किसी चीज से पीछे नहीं हटते हो, और आप लोग स्पिरिचुअल भी हो रहे हो। आप लोग ना ये भी समझते हो कि अच्छा काम क्या होता है, गुड डीड्स, बैड डीड्स, और आप हमेशा अच्छे काम में लगे रहना चाहते हो, ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलो सेकेंड इवेंट देखते हैं आपका। फर्स्ट इवेंट तो बहुत अच्छा आया, लेट्स सी। बहुत अच्छा मेरी नजर में वो होता है क्योंकि हम जिस स्टेट से होते हैं ना, हमारे जो दिमाग की जो हालत होती है, हम जो थॉट्स में होते हैं, उन थॉट्स से भी अगर हमें बहुत अच्छे थॉट्स में, उन थॉट्स से भी अगर हमें बहुत अच्छे थॉट्स मिल जाते ना, तब भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। चलो सेकेंड इवेंट देखते हैं। देखिए 4 of Wands, अब इसी कार्ड की कमी थी, मतलब लाइक हो सकता है आपके आने वाले 6 महीनों में कोई किसी टाइप का सेलिब्रेशन हो, आप अगर घर बनाना चाहते हो, घर खरीदना चाहते हो, तो मुझे उस चीज के लिए भी लग रहा है कोई एक ऐसा सेलिब्रेशन जहां पे एक गेट टुगेदर होगा लोगों के बीच में ना, आप लोग बैठोगे, बातचीत करोगे आपकी फैमिली, आपके रिलेशनशिप वालों के बीच में ना, एक अच्छी चीज लग रही है। और अगर आप शादी के लिए सोच रहे हो, आप शादी करना चाहते हो, तो शादी के भी मुझे चांसेस दिख रहे हैं, आपके घर में बाकी लोगों की शादी के भी चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है, ये एक अच्छा साइन है। और देखते हैं, ओके, शायद ये हो सकता है कि आपका प्यार का जो आपकी लाइफ में प्यार जो था ना, वो था ही नहीं पिछले कुछ टाइम से। आप बहुत तरस रहे थे, मतलब आपने बहुत वेट किया कि मेरी लाइफ में कोई बहुत अच्छा हैप्पी प्यार आए, बहुत ही लव रिलेशनशिप ना वाइज खुशी मिले। देखिए आई एम नॉट जोकिंग, जब मैंने इस कार्ड के लिए क्लैरिफिकेशन निकाला तो मुझे ये 3 कार्ड्स मिले, और ये कार्ड साफ दिखा रहे हैं कि आप लोग जिस चीज का वेट कर रहे थे कि आपकी लाइफ में भी कोई आए,
आपकी लाइफ में भी कोई अच्छा बेहतर इंसान आए और आपका एक लव रिलेशनशिप अच्छा हो, या फिर आप जिनसे आप चाहते थे कि आपका लव रिलेशनशिप ठीक हो, वो भी, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. बट यस, ये जो चेंजेस है ना, ये आपकी लाइफ में बहुत फास्ट आते दिख रहे हैं. जो चीजें जिनके लिए आप अब तक वेट कर रहे थे, बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी, वेट कर रहे थे, स्पेशली प्यार में, स्पेशली रिलेशनशिप में, और स्पेशली शादी ब्याह वाली चीजों में, और स्पेशली आपके अगर किसी के साथ है, और अगर आपका रिलेशनशिप नहीं है तो आपके घर में शादी हो सकती है यार, आपके घर में शहनाइयां बज सकती है, एक अच्छा मस्त माहौल बन सकता है शादी वाला, मस्त मजा आ जा सकता है. वो जो चीजें ना, वो मुझे आती हुई दिख रही है आने वाले 6 महीनों में. तो आपकी बार बार ना फोन गिरे जा रहा है. तो यस, ये एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है. मतलब मुझे आने वाले 6 महीनों में आपके 2 इवेंट्स तो बहुत अच्छे पॉजिटिव दिखे. लेट्स सी, अब तीसरा इवेंट देखते हैं. लेट्स सी. देखा, और मेरे को ना बार बार इंडिकेशन मिल रहा था कि मुझे ये वाला कार्ड्स निकालने, और देखिए क्या आया. डिवाइन सोर्स एंड साइंस, हेल्प मी नो दैट ऑल माई डीपेस्ट नीड्स विल बी मेट. लेट मी ट्रस्ट दैट यू हैव अ प्लान एंड द राइट एक्शन विल कम. यू आर माई सोर्स फॉर ऑल. Instincts are the messages for the inner divine. Dear, आप क्या आने वाले 6 महीनों में ना आप डिवाइन के साथ और कनेक्ट होंगे. आपको जितने साइन, जितने सिंबल दिख रहे हैं ना, वो आपको और दिखेंगे. आप और ज्यादा अगर मेडिटेशन और इनमें जाना चाहते हो ना, आप और जाओगे. और एक और चीज, आपका एक अंदर का जो कहते हैं ना इंट्यूशन पावर, वो बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है. अगर आपने मेडिटेशन की तरफ ध्यान दिया, अपनी ब्रेथ्स की तरफ ध्यान दिया, तो हो सकता है आपका क्राउन चक्र जो अभी बहुत अच्छा खुला हुआ है, वो और खुलने वाला है. मतलब लाइक लोटस दिख रहा है मुझे, ठीक है, लोटस दिख रहा है. और एक बहुत ही हम्बलनेस दिख रही है. आपको पता है आपकी लाइफ में इतनी सारी खुशियां जो है आने वाले 6 महीने वो क्यों आने वाली है? बिकॉज आप लोग बहुत ही हम्बल हो, बहुत ही ग्रैटिट्यूड में रहना चाहते हो, पसंद करते हो, और बहुत ही हैप्पी फीलिंग में रहना चाहते हो. तो आप लोगों के लिए मुझे सारी अच्छी पॉजिटिव चीजें दिख रही है, ठीक है. और ये बहुत अच्छी बढ़िया चीज है. तो मैं एक चीज निकालना चाहूंगी आपके लिए, गाइडेंस. लेट्स सी, आपके लिए गाइडेंस करना, म्यूजिक सुनना, इन सब चीजों में अगर शौक है ना, तो आपको इन चीजों में अपना टाइम जरूर निकालना चाहिए. योगा क्लासेस, अपने आप को इन सब चीजों में ना, क्योंकि ये आपको बैलेंस रखेगी. बहुत ज्यादा खुशी में भी खुश नहीं होना, बहुत ज्यादा दुखी में भी दुख नहीं होना. वो बैलेंस वाले जो स्टेट होती है ना, वो उसमें वो आपको पूरे टाइम रखेगी, और आपको प्रोटेक्ट भी करेगी सारी नेगेटिव चीजों से. देखो, इंसान ना सिर्फ पढ़ाई के साथ खत्म नहीं हो जाती है, इंसान बहुत हमेशा पढ़ता रहता है अगर वो चाहे तो. और नहीं, बुक्स भी नहीं तब भी, खुद को पढ़ना भी बहुत बड़ी चीज होती है. तो आप अगर खुद को पढ़ने में भी लगोगे ना, तो डियर आपकी जो जिंदगी संवर रही है ना, वो और जल्दी संवरेगी. ओके, और मैं इसी आशा के साथ कि आपकी जिंदगी अच्छी संवरे, आप खूब खुश रहे, इसके साथ मैं यहाँ पे अलविदा रहती हूँ, अलविदा कहती हूँ. आई होप ये चीज आपके साथ रेजोनेट हुई हो, ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट हुई हो, और अगर रेजोनेट हुई हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू फॉर लिसनिंग. बाय बाय.